दोस्तों, हर रोज़ ज़्यादा ज़्यादा मेकअप करके हमें बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो थोड़ा सा काजल और थोड़ा सा मेकअप करके कैसे इतना सुंदर लगेंगे हम, उसका ही वीडियो आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, जो लोग नए हैं जल्दी जल्दी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मम्फीज लाइव। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से हम 5 मिनट में हर रोज़ के लिए तैयार होंगे। सबसे पहले तो मैं रोज़ वाटर से अपनी फेस और नेक और मेरी हैंड को भी क्लीन कर लूँगी। अब देखो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा टोनर यूज़ कर रही हूँ आयुर की। हमें हर रोज़ बहुत ही फ्रेश दिखना चाहिए। और देखो, मैं मेरी हैंड पर यहाँ पर यूज़ किया है जो नेल पॉलिश, वो है एलेटिन की नेल पॉप जो पिंक कलर में है। देखिए, मेरी आईज़ और फेस में थोड़ा सा डार्क स्पॉट है, तो इसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं मेरी लिप पर थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा ले रही हूँ। दोस्तों, दिन में फाउंडेशन लगाना तो पॉसिबल नहीं है, पर डार्क स्पॉट को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्सीलर से ये सब रिमूव कर ले रही हूँ। और दिन में बिल्कुल भी फाउंडेशन मत लगाना। मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ कि दिन में फाउंडेशन अप्लाई करके बाहर जाओ, तो बहुत ही बुरा लगती है। तो हम अब जो यूज़ कर रहे हैं वो है सनस्क्रीन। मैं यहाँ पर लोटस की SPF 40 यूज़ कर रही हूँ। इसे यूज़ करने की दो हेल्प है हमारी। एक तो ये थोड़ा सा मेकअप बेस है इसके अंदर, जो आप यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मेकअप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ना, ये यूज़ करने में हमारी फेस बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगती है, कोई चिपचिपा नहीं लगती है। तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एक सनस्क्रीन है। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ देखो। और इसे यूज़ करने के बाद हमें इस पूरे फेस पर हमें पाउडर अप्लाई करना है और पूरा सेट कर लेना है हमारी फेस को। अब देखो फ्रेंड्स, मैं मेरी आईब्रो को बहुत ही हल्के से ड्रॉ कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम आई पर काजल लगाएंगे तो आईब्रो थोड़ा सा ड्रॉ होना चाहिए, वरना बहुत ही खुला खुला सा लगेगा। तो ये तुम लोग कर लोगे। और फ्रेंड्स, मेरी एक बेंगोली चैनल भी है जिसका नाम है मम्फीज लाइव। आप लोग जो मेरे बेंगोली में ब्लॉग या साड़ी ड्रापिंग या मेकअप ये सब देखना चाहते हो, तो आप उस चैनल पर विजिट करना ज़रूर। तो चलो, अब हमें यहाँ पर मस्कारा यूज़ करना है। आई पर मैं मेबलिन की मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। और मस्कारा अप्लाई करने के बाद जो लोग आईलैशेस लगाना चाहते हो लगा लेना, वरना छोड़ देना। अब जो है काजल, मैं एलेटिन की काजल यूज़ कर रही हूँ। और काजल बहुत ही डार्क तरीके से ड्रॉ करना, क्योंकि हम तो मेकअप ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, पर हमें हमारी आई को हाईलाइट करना है इसके लिए। तो काजल थोड़ा सा डार्क करके आप अप्लाई कर लेना। दोस्तों, मेरी आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गया है। और अब मैं थोड़ा सा ब्लश यूज़ करूँगी। अगर ये तुम लोग नहीं करना चाहते हो तो स्किप कर लेना, जो लोग करना चाहते हो कर लेना। अब मैं ओरिफ्लेम की एक मिनी लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, और इसके साथ मैं मैचिंग करके बिंदी लगा रही हूँ जो है मेरून पर। अब जो है मैचिंग नेक पीस लगा रही हूँ, और मैं मेरी प्लाजो की कलर पर जो है चूड़िया यूज़ कर रही हूँ। आप लोग जो जीन्स और प्लाजो पर होगे उसके कलर पर चूड़िया यूज़ करना। हमें हेयर स्टाइल पर देखो, यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप लगा रही हूँ। और आप लोग ऐसे अपनी हेयर को छोड़ दीजिए खुला। तो अगर कोई चाहते हो यहाँ पर एक छोटा सा रिबन यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे पर हम रेडी हैं किसी भी काम के लिए, बाहर जाने के लिए, कोई कॉलेज हो या ऑफिस हो, तो ऐसे आप ये लुक को ट्राई कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अब जो मुझे ज़रूरत है वो है थोड़ा सा बॉडी स्प्रे की। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने मत भूलना। बाय बाय।